सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दीपक ठाकुर एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है जो कभी भी किसी भी टास्क को पूरी जी जान के साथ खेलते हैं, लेकिन कभी वो रोते हुए नजर नहीं आते हैं। शुरुआती दिनों में वो अपने परिवार वालों को याद करके कभी थोड़े इमोशनल हो जाया करते थे, लेकिन उसके अलावा वो कभी भी रोते या फिर बौखलाए हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में दीपक ठाकुर से इतनी बड़ी गलती हो गई है कि वो काफी गिल्टी फील कर रहे हैं और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है और खुद को काफी नुकसान पहुंचा लिया है। दरअसल आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि दीपक ठाकुर सोमी खान को टास्क से बाहर निकलवा देते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, और ये बात दीपक ठाकुर को अंदर ही अंदर कचोट रही होती है। और जब दीपक इस बात को लेकर कन्फेस कर रहे होते हैं तो सोमी इस बात को सुन लेती हैं और वो सोमी को समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि सोमी हमने तुम्हें धोखा दिया, इस बात से हमें काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। फिलहाल हमें ऐसा फील हो रहा है कि तुम विक्टिम हो और हम इस घर के विलन हैं, हम ही सबसे बड़े दोषी हैं। और वो वहां से चले जाते हैं और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर पास ही में श्री संत होते हैं, वो कहते हैं दीपक क्या कर रहे हो। इसके बाद बाकी के घर वाले भी वहाँ आते हैं और दीपक को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीपक दरवाजा नहीं खोलते हैं, वो रोते रहते हैं। ये भी कहते हैं दीपक या तो दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। बार बार कहे जाने के बावजूद भी दीपक दरवाजा नहीं खोलते हैं और तब केवी दरवाजा तोड़ देते हैं और वहाँ पर दीपक ठाकुर बैठ के बहुत बुरी तरीके से रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम काफी गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।